देखो मैं समझता कि जिस स्पीड के नाल पंजाब दे विच डेंगू दे केसेस वध रहे ने, पंजाब दे हालत बहुत गंभीर होंदे जा रहे ने। दिन प्रतिदिन केसेस ने जिहड़े और मौतां ने वह वधदियां जा रही ने। पिछले साल के कंपैरिजन दे विच ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ केसेस ने और डबल ही मौतां हो चुकियां ने हुण तक। असी इस संबंध दे विच पिछले दिन ही जिस दिन ऑल पार्टी मीटिंग सी उस दिन पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी जी नूं भी बेनती की थी, अगले दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओ पी सोनी जी नूं आम आदमी पार्टी का वफद मिलिया सीगा कि बहुत माड़े हालात ने जिहड़े ओह बने पए ने, पर हजे तक पंजाब सरकार ते हैल्थ डिपार्टमेंट है जिहड़ा ओह सुत्ता पिया है और समझ इस गल दी नहीं आउंदी हैगी कि जिहड़ी बीमारी ऑलमोस्ट हर साल आउंदी है ओहदे लई वी सरकार इन्नी अणगहली क्यों कर रही है। पर सरकार काम तां करे जे सरकार पंजाब दे विच होवे। हर दूसरे दिन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी नूं दिल्ली तलब कर लिया जांदा क्योंकि कोई ना कोई उन्हां दे कुलीग उन्हां दी शिकायतां करे उहदे बाद दे विच उह आपदी सफाइयां देण दे लई दिल्ली पहुंच जांदे ने। मैं समझदा कि इह बहुत गैर जिम्मेवाराना तरीका पंजाब सरकार दा। सो चन्नी साहब नूं बेनती है कि दिल्ली दा खेड़ा छड्डो, पंजाब दे लोकां दीआं मौतां हो रहीआं ने डेंगू दी वजह करके। हस्पताल खुद आप वेंटीलेटर दे उपर ने, एसडीपी किट्स ने जिहड़ीआं ओह हस्पतालां दे विच है नहीं, ते तुसीं ते तुहाडी सरकार अखां बंद करके और कन्नां दे विच कौड़ा तेल पा के सुत्ती पई। सो कृपा करके या तां पंजाब दे विच बैठ के पंजाब दे लोकां दी सिहत ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਆਓ।